दूसरे इंडस्ट्रियल स्टेट से मैं ये कहना गलत नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चलते हैं। मियाँ साहब, मैंने 1 जनवरी 2023 को एज ए प्रेजिडेंट अपना ओथ लिया था। मुझे ये वक्त याद है, ये सामने जो लाहौर टाउनशिप की जब ऑफिस की बिल्डिंग बनी तो उस वक्त गालिबन मैं चेयरमैन था लाहौर टाउनशिप एसोसिएशन का। तो इस दफ्तर को बनाने के लिए बहुत से छुपे हाथ बेनिफैक्टर्स हैं, मैं ये एडमिट करूंगा कि जिन्होंने मुझे बैक पे सपोर्ट किया और ये दफ्तर हमने कायम कर लिया। और किसी भी तंजीम जो है ना, उसका एक ऑफिस होना, उसका मुस्तकली की ये जो जो कंटिन्यूटी है वो उसके ऑफिस की होती है। और जाहिर है जब लीडर की बात आएगी तो 2-3 सलाम स्पेशल जनाब अंजन निसार साहब, इरफान अकबाद शेख साहब, हसन भट्ट साहब, जनाब कैशी साहब, रसुल्ला मुगल साहब और मेरे अपने फील्ड के मेरे अपने बहुत ही पुराने साथी हमारे जनाब इकबाल बेग चौधरी साहब और तमाम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो जी। आज ये LTI का एक नई टीम ने ओथ लिया है और बड़ी खुशी है कि ये जो एक कारवां चल रहा है LTI का, बड़े खूबसूरत तरीके से, ओपन तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से यहाँ पे रजीम चेंज होता है, जो कोई इम्पोर्टेड रजीम नहीं है, लोकल रजीम है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि कंसेंसस के साथ जो बेस्ट टीम होती है उसको यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट नहीं किया जाता। सो खरोम इलियास साहब और मनीष चावला साहब और अकबर अकबाल शेख साहब, मैं आपको सुहेल साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और सिर्फ 2 मिनट में ये कि LTI, इस तरह का आप सबको पता है, ये खाली कोट लखपत में नहीं है। लाहौर टाउनशिप इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को मैं मुबारकबाद देता हूँ, चेयरमैन जनाब खुर्रम इलियास साहब को, सीनियर वाइस चेयरमैन सुहेल अकबर साहब को और वाइस चेयरमैन जनाब अहमद मुनीर चावला साहब को। और यहाँ पे मैं अपने लीडर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जब हमारी प्याप बनी तो उसके बाद थोड़ा से कुछ इश्यूज थे, फिर बाद में उन्होंने जब नसरुल्ला मुगल साहब को सीनियर वाइस चेयरमैन इलेक्ट किया तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे बाजू मजबूत हो। पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ LTI को कि एक बड़ा ही माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आपने आज एक इवेंट आपने यहाँ पे किया है और इसको इतने अच्छे तरीके से आपने सेटल किया है। मैं देख रहा हूँ बेहतरीन तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है। और ये क्योंकि हमारी प्याफ की जन्मभूमि है, हमारी जन्मभूमि है ये। और मैं ये भी बता दूं कि मेरा नाम आता है कि जी शायद मेरा LTI के साथ तलग नहीं है, मेरा पिछले 8 साल से यहाँ पे यूनिट है, मैं भी यहाँ पे एक अपना मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। हमारा बेकरी का जो हमारा एक प्लांट है हमने यहाँ पे लगाया, तो हम पिछले 8 साल से हम भी यहाँ पे इसका हिस्सा हैं। इलेक्ट्रिसिटी के 2500 बिलियन रुपीज़ का सर्कुलर डेट हो, 1550 बिलियन का आपका गैस का डेट हो और 950 बिलियन मिसलिनियस आपका, ये टोटल मिला के 5000 बिलियन का डेट है, सर्कुलर डेट है जो कि हम फेस कर रहे हैं। और इसकी वजह आपको पता है कि हमारी प्लानिंग जब दुनिया सारी जा रही थी उसमें रिन्यूएबल एनर्जी में, हम अपना जा रहे थे कोल में, हम जा रहे थे पेट्रो पे, और आज जो हमारा मिक्स है वो तकरीबन 61% हम हैं उसके ऊपर, पेट्रो के ऊपर, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर हैं, 24% हम हाइड्रो पे हैं, 12% न्यूक्लियर पे हैं और तकरीबन 3% जो है ना हम सिर्फ उस पर हैं आपके विंड और सोलर पे, क्योंकि बहुत थोड़ा है। और जिसकी वजह से आप जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, ये जो आपके सर को डेट बढ़ गए हैं, इसकी मेन वजह ये है कि हमने सही मौके पे सही वक्त में फैसले नहीं किए जिसकी वजह से आज हम ये भुगत रहे हैं। और सबसे पहले जनाब आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये LTI का AGM है, एनुअल जनरल मीटिंग है, और इसमें जो दोस्त मुंतखब हुए हैं इस साल, जनाब खुर्रम इलियास साहब एस चेयरमैन और जनाब सुहेल अकबर साहब एस सीनियर वाइस चेयरमैन और जनाब अहमद मुनीर चावला साहब
एज वाइस प्रेसिडेंट उसके साथ जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स हैं उन तमाम दोस्तों को मुबारकबाद देता हूं, और ख़ास तौर पे मैं इकबाल बेग साहब का यह नाम ज़रूर लूंगा क्योंकि उन्होंने एज इलेक्शन कमीशन अपने फ़राइज जो है बड़े अच्छे तरीके से निभाए और बड़े अच्छे तरीके से ये जो पैनल मुंतखब हुआ है और ये अनअपोज्ड कोई दोस्त इनके सामने मुकाबिल नहीं था तो ये अनअपोज्ड हुआ है, वो भी शो करता है कि इस इलाके में एक यूनिटी है, एक मोहब्बत है, और जिन दोस्तों के नाम आए मैं समझता हूँ कि अब उन पर ज़िम्मेदारी है कि वो अपने सनदी जो मामलात हैं जो जिम्मेदारियाँ उन पर आई हैं वो इंशाल्लाह अपने तमाम इंडस्ट्रियल भाइयों की ख्वाहिशात का एहतराम करेंगे और उनकी जो है होप्स पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक जनाब ताल्लुक है इस वक्त मौजूदा हालात का, इकोनॉमी का, वो आप सब जानते हैं, मुझ समेत तमाम दोस्त यकीनन परेशान होंगे कि इतने सीरियस इकोनॉमिकल क्राइसिस जो थे आज तक ना मैंने देखे ना मैं समझता हूँ कि आपने देखे होंगे। मुझे भी कमोबेश 45 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में और ट्रेड में, तो मुझे इतने सीरियस हालात और इतने सीरियस क्राइसिस कभी नज़र नहीं आए। ये मैं समझता हूँ कि ये मिसमैनेजमेंट है, जिन लोगों ने फैसले किए हैं मिस गवर्नेंस है, हमारी मुल्क की जो डायरेक्शन थी वो दुरुस्त नहीं थी। देखें 200 मुल्क हैं, 200 से शायद ज़्यादा मुल्क पूरी दुनिया में हैं, लेकिन जितने शदीद क्राइसिस इस वक्त हमारे हैं शायद दीगर ममालिक के इतने। इफ्तिखार बशीर साहब, ख्वाजा साहब और तमाम दोस्त जो मलक नदीम साहब बैठे हैं, हमारी इसी मेंबर हैं रिजवान हैदर साहब हैं, चेयरमैन फराया खालिद महमूद खोखा साहब बैठे हुए हैं, खालिद महमूद साहब बैठे हुए हैं और तमाम दोस्त चेयरमैन एलटीआई जो इस फंक्शन के ज़बरदस्त खूबसूरत पंडाल के जनाब मियाँ इलियास साहब वीपी एसवीपी एग्जीक्यूटिव बोर्ड, तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं माजरत चाहता हूं कि लेट आया, लेस्को चीफ आए थे और लेस्को चीफ की मीटिंग दौरान ही मैं उठ के चला गया। मुझसे प्रेसिडेंट साहब कहने लगे कि आप क्यों जा रहे हैं, मैंने कहा जी साहब बड़े साहब का फ़ोन आ गया है और हमारा वो घर है, अब मैं अब यहाँ रुक नहीं सकता, मेरे लिए मज़ीद बैठना यहाँ नामुमकिन है। तो मैं कोट लखपत, हमारा एक दिन से बहुत पुराना रिश्ता है, कोट लखपत के बारे में और इन तमाम दोस्तों के बारे में मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि मैंने 20 साल से कोट लखपत को फिरोजपुर और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के तमाम दोस्तों को देखा है कि इंडस्ट्री के मसाइल के लिए ये हमा वक्त हर मसाइल पे हर स्टेज पर ये यकजा होते हैं, हर मसाइल को उजागर करते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ मियाँ अंजुम निसार साहब। जिस तरह आपको पता है कि हमारे लीडर मियाँ अंजुम निसार साहब ने इस साल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुझे एज अ वाइस प्रेसिडेंट और मेरे बड़े भाई चौधरी जफर महमूद साहब को एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पियाफ की तरफ से मुंतखब किया है। जब से हम आए हैं इंशाल्लाह ताला हमने तमाम इंडस्ट्री के मसाइल हो या ट्रेड के मसाइल हो उसको उजागर करने के लिए हमेशा आपके साथ खड़े हैं। अभी कल ही बात हो रही थी हमारे पास पियाफ की और दूसरे दोस्त हमारे ट्रेडर आए थे लेस्को के हवाले से मार्केट की लटकती तारों का इशू, और ये आज हमने लेस्को चीफ को हमने बुलाया, उनके मामला हल किए। इसी तरह आप बाखूबी वाकिफ है अभी हमारा। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।